हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं कंडक्ट करूंगा एक मॉक टेस्ट एसएससी सीजीएल 2020 प्री एग्ज़ाम के लिए। ये इंग्लिश सेक्शन का मॉक टेस्ट है, इसमें 25 क्वेश्चंस हैं। इनको आपको पहले खुद सॉल्व करना है वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद मैं इसका आंसर आपको बताऊँगा और क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा डिटेल में। तो इससे आपकी प्रिपरेशन भी होगी और आपकी जो करेंट प्रिपरेशन है उसको आप मेज़र भी कर सकते हैं इन मॉक टेस्ट सीरीज़ के थ्रू। तो ये मॉक टेस्ट सीरीज़ में हिंदी में भी अपलोड कर रहा हूँ और इंग्लिश सेक्शन में जो इंग्लिश टू इंग्लिश देखना चाहते हैं वो अलग एक प्लेलिस्ट में इनको देख सकते हैं। तो इन प्लेलिस्ट के लिंक्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, और ये मॉक टेस्ट सीरीज़ इन सभी एग्जाम्स के लिए हाईली यूजफुल रहेगी। तो चलिए देखते हैं इस मॉक टेस्ट नंबर 3 को। 25 क्वेश्चन इसमें आएंगे, इन क्वेश्चन को आपको एक एक करके सॉल्व करना है। देखिए, सेम इसी तरीके से क्वेश्चंस का पैटर्न होगा आपके रियल एग्जाम में, इसी तरीके से डायरेक्शंस दिए होंगे और इसी तरीके से वर्ड होगा, इसी तरीके से ऑप्शन होंगे। तो ये रियल एग्जाम की तरह मैं एक मॉक टेस्ट आपका दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर इस वर्ड का सिनोनिम आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी इस वर्ड का, क्रेडुलस वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है। देखिए, क्रेडुलस हम किसको बोलते हैं? क्रेडुलस एक एडजेक्टिव है, और एक ऐसे व्यक्ति को हम क्रेडुलस बोलते हैं जिसको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है या फूल किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए जो सबसे सही वर्ड है वो है गलीबल, GULLIBLE, ठीक है। इनोसेंट निर्दोष होता है, इनोसेंट तो हम एक बच्चे को बोलते हैं नॉर्मली। इनोसेंट और गलीबल में अंतर है। इनोसेंट जिसने कोई अपराध नहीं किया है, जिसने कोई क्राइम नहीं किया, उसको हम इनोसेंट बोलते हैं। लेकिन गलीबल एक ऐसा व्यक्ति है दैट कैन बी फूल्ड इजीली, ठीक है। सिली होता है मूर्ख, और फनी होता है मजाकिया। तो यहां पर जो सही आपका आंसर होगा वो होगा गलीबल, क्रेडुलस का सिनोनिम। चलिए आगे देखते हैं, ये सेकेंड क्वेश्चन है। और रीअश्योर का मतलब क्या है? कि किसी को आश्वासन देना, किसी को सांत्वना देना कि आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर अपोजिट आपको इसका बताना है, आपको सिनोनिम नहीं बताना, अपोजिट बताना है। तो रीअश्योर का मतलब एक तरीके का इनकरेजमेंट होता है, ठीक है। किसी को सपोर्ट करना या इनकरेज करना कि ऐसा ऐसा होगा, आप चिंता नहीं करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रीअश्योर करना, जैसे मिनिस्टर्स रीअश्योरेंस देते हैं, सांत्वना देते हैं, ठीक है। तो इसका इसका जो सही एंटोनिम होगा वो होगा डिस्करेज, एंटोनिम होगा ये इसका, ठीक है। कंसोल का मतलब सांत्वना देना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपका सीजीएल का जो प्री होगा, ठीक है। उसमें एक एक करके इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, और अब पैटर्न थोड़ा सा और चेंज हो गया है। इसमें सारे क्वेश्चंस मिक्स तरीके से पूछे जाएंगे, मतलब एक एक जीके का क्वेश्चन होगा, एक मैथ्स का होगा, एक रीजनिंग का होगा, और फिर एक इंग्लिश का होगा। तो इस तरीके से भी पैटर्न पूछा जा सकता है। तो डिफायंस का मतलब किसी को चैलेंज करना, किसी की बात को नहीं मानना, चैलेंज करना, रूल्स को डिफाई करना। तो डिफायंस की सही स्पेलिंग क्या है? DEFIANCE, ये इसकी सही स्पेलिंग है डिफायंस की, ठीक है। ये यहाँ पर इसकी सही स्पेलिंग है DEFIANCE, डिफायंस। चलिए आगे देखिए, ये स्पॉटिंग का एक क्वेश्चन है। टू ग्रेट अ वैरायटी ऑफ स्टडीज, ये एक टिपिकल SSC क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर वैरायटी से पहले, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए लगा हुआ है, वैरायटी से पहले ए लगा हुआ है। इसका मतलब इसका जो रियल सब्जेक्ट है वो वैरायटी है, और वैरायटी से पहले चूंकि ए लगा हुआ है इसका मतलब सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अपने साथ ये वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा, यानी यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट के स्थान पर इसमें होगा डिस्ट्रैक्ट्स, एस लगेगा इसमें। यानी इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। माय सिस्टर हैज बीन इंटरेस्टेड इन मेडिसिन एवर सिंस सी वाज अ चाइल्ड। देखिए सिंस के बाद, इस तरह के स्ट्रक्चर्स में सिंस के बाद, यहां पर सिंस के बाद हम V2 लगाते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और सिंस से पहले वाला जो सेंटेंस होता है उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे जैसे आई हैव बीन डूइंग इट सिंस आई वॉज ए चाइल्ड, मैं इस काम को करता रहा हूँ कब से, जब मैं एक बच्चा था। तो ये सेंटेंस जो है ये पूरी तरीके से सही है। माई सिस्टर हैज बीन इंटरेस्टेड, मेरी सिस्टर इंटरेस्टेड रही है मेडिसिन में कब से, जब से वो एक बच्ची थी।
तो जरूरी नहीं है कि सारे सेंटेंसेस में कोई ना कोई गलती हो, नो एरर वाले सेंटेंस भी हो सकते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा डी, दैट इज नो एरर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। मी एंड माई वाइफ वर एट होम लास्ट नाइट। देखिए, इसमें जो प्रोनाउन का सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। तो थर्ड पर्सन इसमें हो जाएगा माई वाइफ और मी इसमें फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। तो इसका जो सही सीक्वेंस होगा वो होगा माई वाइफ एंड आई, माई वाइफ एंड आई। माई वाइफ थर्ड पर्सन हो जाएगा और ये फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। और चूंकि ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर वर से पहले यहाँ पर ये जो प्रोनाउंस हैं ये सारे सब्जेक्टिव केस में आएंगे, क्योंकि वर हेल्पिंग वर्ब है। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है और इससे पहले जो होता है वो सब्जेक्ट की पोजीशन होती है। तो ये जो प्रोनाउंस हैं इनकी पोजीशन भी चेंज होगी और इनका केस भी चेंज होगा। तो सही इसका आंसर होगा माई वाइफ एंड आई। ठीक है, तो ए इसमें आपका सही आंसर होगा। देखिए, यहां पर ये इडियम्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो कॉट रेड हैंडेड, कॉट रेड हैंडेड, किसी को रंगे हाथों पकड़ लेना, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी अपराध में इन्वॉल्व है, अपराध भी बोल सकते हैं, कोई छोटा छोटा मोटा क्राइम भी हो सकता है, या कोई भी एक्टिविटी करते हुए किसी को पकड़ लेना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डिस्कवर्ड इन द एक्ट ऑफ डूइंग, डिस्कवर्ड इन द एक्ट ऑफ डूइंग, ये इसका सही आंसर होगा। कॉट बाय मिस्टेक नहीं होगा, डिस्कवर्ड इन द एक्ट ऑफ डूइंग होगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं गेट क्रैशर। देखिए, क्रैश का मतलब होता है किसी को तोड़ देना, किसी चीज को, गेट मतलब गेट को तोड़ देना। तो एक ऐसा व्यक्ति जो गेट तोड़ के अंदर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, या तो वो इनवाइटेड नहीं है, उसको इनवाइट नहीं किया गया है, या उसने पे नहीं किया है, यानी वो अनइनवाइटेड गेस्ट है। तो गेट क्रैशर का मतलब होता है अनइनवाइटेड गेस्ट। सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये एक मॉडल पेपर आप मान सकते हैं एसएससी सीजीएल प्री के लिए। टू एंगल, देखिए टू एंगल का क्या मतलब है, जैसे फिशिंग हम करते हैं तो उसमें हम एक हमारे पास एक एंगल होता है, हमारे पास एक जैसे जैसे उसको इस तरीके से, इस तरीके का रहता है वो, एक एंगल टाइप का होता है, उससे हम फिशिंग करते हैं। उसमें उसमें कुछ अटका देते हैं, कुछ फूड या कुछ आटा टाइप का, तो उससे फिशिंग करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा टू फिश, टू फिश विद ए नेट नहीं होगा इसका आंसर, टू फिश इसका आंसर होगा टू एंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं। एक्शन दैट इज लाइकली टू मेक पीपल वेरी एंग्री, मतलब एक ऐसा एक्शन जिससे लोग नाराज हो जाएं, तो उसको हम क्या बोलेंगे। काफी मिलते जुलते इसमें वर्ड दिए हैं। देखिए, इन्फ्लेशनरी का मतलब होता है मुद्रा स्फीति से संबंधित, मुद्रा स्फीति आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। इनफ्लेमेबल ज्वलनशील पदार्थ जो होता है, जैसे पेट्रोल डीजल होते हैं उसको बोलते हैं। कमेंसुरेबल किसी चीज के इक्वल, और इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी जो लोगों को इन्फ्लेम कर दे, जो लोगों को गुस्से में ला दे, तो उसको हम बोलेंगे इन्फ्लेमेटरी। तो यहां पर सही जो आंसर होगा वो होगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अ ह्यूमरस ड्रॉइंग डीलिंग विद करेंट इवेंट्स और पॉलिटिक्स। मतलब जैसे आप न्यूज़पेपर यदि पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कैरिकेचर और कार्टून्स वगैरह उसमें बनाए जाते हैं पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर, और कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा ड्राइंग उसमें बनाई जाती है, जिससे लोगों के मतलब लीडर्स के ऊपर या घटनाओं के ऊपर जो देश में चल रहा है उसके ऊपर एक व्यंग व्यंग किया जाता है, तो उसको हम कार्टून बोलते हैं। ठीक है, कार्टून इसमें सही आंसर होगा। स्केच कोई भी पिक्चर हो सकता है, इलस्ट्रेशन और स्केच ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है इसका, लेकिन यहां पर अ ह्यूमरस ड्राइंग की बात हो रही है, तो ह्यूमरस ड्राइंग के लिए कार्टून इसमें सही वर्ड है। स्किट एक छोटा सा, छोटी सी एक पैरोडी होती है जिसमें किसी चीज के ऊपर व्यंग किया जाता है। ठीक है, इसमें जैसे जैसे स्कूल्स में स्किट, स्किट का एक प्रोग्राम होता है जिसमें एक छोटी सी, छोटा सा एक प्रोग्राम होता है जिसमें कुछ बच्चे मिलके किसी चीज पर व्यंग करते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्ट होता है, लेकिन यहां पर ड्रॉइंग की बात हो रही है, तो ड्रॉइंग के लिए सही जो वर्ड है वो है कार्टून। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग। मर्सी किलिंग क्या है, कोई व्यक्ति है या कोई जानवर है, उसकी हालत ऐसी है कि उसको मतलब पेन इस तरीके से हो रहा है कि उसको, उसके लिए मर जाना ही सही है। यदि वो उसकी डेथ हो जाती है या उसको मार दिया जाता है, तो उसको उसके जो करेंट जो दुख है, दर्द है, मतलब उसकी जो पीड़ा है वो अनबियरेबल है, वो सहन नहीं कर पा रहा है, तो उसको उसको मर्सी किल्ड कर दिया जाता है।
तो उससे उसकी जो पीड़ा है, उसका जो पेन है, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मर्सी किलिंग को हम यूथेनेसिया बोलते हैं। यूथेनेसिया, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जानवर है, उसको कोई ऐसी बीमारी लग गई है जिसको जिससे उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, ठीक है, तो उसको मर्सी किलिंग के थ्रू फिर मार दिया जाता है। तो यूथेनेसिया यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। सुसाइड तो आप जानते ही होंगे, आत्महत्या होती है। इमोलेशन क्या है? इमोलेशन जैसे जैसे सेल्फ इमोलेशन आपने सुना होगा। सेल्फ इमोलेशन मतलब एक व्यक्ति अपने आप को उसमें जला लेता है, जिसको हम बोलते हैं आत्मदाह, आत्मदाह हम बोलते हैं। और पुराने जमाने में जैसे बलि देते थे लोग अपने आप की, ठीक है, अपने आप अपने शरीर को अपने अपने आप को जला लेते थे, उसको भी हम इमोलेशन बोलते हैं। और खुद को जला लेने को हम बोलते हैं सेल्फ इमोलेशन। ठीक है, एस्फिक्सिएशन होता है। एस्फिक्सिएशन का मतलब होता है कि आपके आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे आप सफोकेट कर जाते हैं, तो वो होता है एस्फिक्सिएशन। तो यहाँ पर सही आंसर होगा यूथेनेसिया। यूथेनेसिया विल बी द राइट आंसर। ये फ्लड्स के कुछ क्वेश्चन हैं। यूनिवर्सिटी से पहले तो ए आएगा इसमें, एन नहीं आएगा, क्योंकि या की साउंड है और या होता है एक कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर ए आएगा इसमें, एन नहीं आएगा। ठीक है, ए इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए ये भी फिलर का क्वेश्चन है। दे हैवंट हैड मच टाइम फॉर सोशल एक्टिविटीज एंड आई हैवंट। इसमें जो सही चॉइस होगी आपकी वो होगी ईदर। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, दे हैवंट हैड मच टाइम फॉर सोशल एक्टिविटीज, उनके पास सोशल एक्टिविटीज के लिए ज्यादा टाइम नहीं रहा है और ना ही मेरे पास रहा है। तो नीदर हैव आई, ऐसे भी बोल सकते हैं आप इसको, नीदर हैव आई या आई हैवंट ईदर। ये स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसके लिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है। इन स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है। आई हैवंट ईदर भी बोल सकते हैं और नीदर आई है। पॉजिटिव सेंटेंस में आप नीदर लगाएंगे और निगेटिव सेंटेंस में आप ईदर लगाएंगे। तो ये निगेटिव है, नॉट पहले इसमें दिया है, इसलिए ईदर इसमें आप लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। फूड वॉज पैक्ड एंड दे, खाना तैयार हो गया था और हम निकल पड़े। जब हम किसी किसी यात्रा पर जाते हैं, पिकनिक पर जाते हैं, तो पहले हम खाना खाना वगैरह सारी तैयारी कर लेते हैं, उसको पैक कर लेते हैं और उसके बाद हम निकलते हैं। तो यहाँ पर जो सेंस बन रहा है वो किस चीज़ का बन रहा है कि खाना तैयार हो गया था और उसके बाद हम यात्रा पर निकल पड़े। देखिए यहाँ पर लिखा है डिलाइटफुल पार्टी, पार्टी के लिए हम निकल पड़े। तो निकल पड़ने के लिए जो सही वर्ड है, यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको पास्ट टेंस चाहिए। ठीक है, पास्ट की इसमें बात हो रही है, तो सेट ऑफ, सेट का पास्ट टेंस सेट ऑफ ही होता है। सेट, कट, पुट, इनका पास्ट टेंस सेट ही होता है, मतलब वही सेम होता है। तो यहां पर सही आंसर होगा सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब यात्रा पर निकलना, निकल पड़ना। देखिए कट ऑफ का मतलब काटना भी होता है, किसी चीज को इंटरप्ट भी करना होता है कट ऑफ। ठीक है, किसी चीज की सप्लाई को रोक देना, उसको भी हम बोलते हैं कट ऑफ। स्टार्ट ऑफ, यदि ये स्टार्टेड ऑफ होता तो ये सही हो जाता आंसर यहां पर, क्योंकि यहां पर पास्ट टेंस चाहिए। और वेंट ऑफ या गो ऑफ का मतलब होता है जैसे लाइट का चला जाना, ठीक है, या फिर जैसे कोई बम होता है, बम का एकदम से एक्सप्लोड हो जाना, उसको भी हम बोलते हैं गो ऑफ या वेंट ऑफ। तो यहां पर सही जो आंसर होगा वो होगा सेट ऑफ। व्हाट अ हॉलीडे, हॉलीडे इसमें हम ऐसे हॉलीडे की बात कर रहे हैं जो एक यादगार हॉलीडे था, एक अच्छा हॉलीडे था। तो यहां पर सही आंसर होगा मेमोरेबल। ठीक है, मोमेंट्री होता है क्षणिक, थोड़ी देर के लिए ये होता है, तो हॉलीडे मोमेंट्री नहीं हो सकता आपका। मोमेंटस होता है हिस्टोरिकल, हिस्टोरिक या इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंट। तो हॉलीडे सिग्निफिकेंट, आपका हॉलीडे के साथ सिग्निफिकेंट वर्ड नहीं यूज हो सकता। इमोर्टल का मतलब होता है जो जो मरता नहीं है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इमोर्टल। तो सही आंसर होगा इसमें मेमोरेबल, मेमोरेबल यादगार। मैनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैव रीच द फाइनल स्टेज ऑफ, किसी भी प्रोजेक्ट को हम बनाते हैं तो पहले उसको हम विजुलाइज करते हैं, फिर उसको हम उसका एक प्लान बनाते हैं, फिर लास्ट जो स्टेज होती है वो होती है इम्प्लीमेंटेशन की, उसको हम लागू कर देते हैं। तो लास्ट स्टेज जो होती है वो होती है इम्प्लीमेंटेशन। तो फोर इसमें आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। दे हैव हैड अ रियल गुड टाइम। देखिए गुड क्या है, एडजेक्टिव है। टाइम क्या है, नाउन है। तो
तो यहां पर चूंकि जो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई हम किससे करते हैं, एडवर्ब से। क्या रियल एक एडवर्ब है? नहीं, रियल एक एडजेक्टिव है। तो यहां पर ये होगा रियली, बाकी सब सही है। दे हैव हैड अ, हैव का मतलब उन्होंने ऐसा किया, हैड का मतलब उसको एक्सपीरियंस किया। एक्चुअली हैव जो होता है वो मेन वर्ब भी होता है और हेल्पिंग वर्ब भी होता है, तो इसलिए इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। ये हेल्पिंग वर्ब है हैव, और हैड यहां पर मेन वर्ब है। दे हैव हैड अ रियली गुड टाइम, मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छा समय गुजारा है। दे हैव हैड, ए भी आएगा इसमें क्योंकि टाइम यहां पर काउंटेबल है। टाइम मतलब यहां पर एक पर्टिकुलर पीरियड की बात कर रहे हैं, तो इसमें सही होगा दे हैव हैड अ रियली गुड टाइम, थर्ड इसमें आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हैज मॉडर्नाइज द मार्च ऑफ मॉडर्न इवेंट्स, आजकल की जो इवेंट्स हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा रोल है, और इलेक्ट्रिसिटी ने आजकल की जो इवेंट्स हैं, इवेंट्स मतलब कोई भी प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम जो होता है, जैसे वर्ल्ड कप का मैच है, ठीक है, मिस इंडिया प्रोग्राम है, कोई भी एक बड़ा प्रोग्राम होता है उसको हम बोलते हैं इवेंट्स। तो इलेक्ट्रिसिटी ने इवेंट्स को मॉडर्नाइज नहीं किया। इवेंट्स के साथ हम मॉडर्न वर्ड यूज नहीं कर सकते, इवेंट्स मॉडर्न नहीं होती, ठीक है, लोग मॉडर्न हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी ने इवेंट्स को रिवोल्यूशनाइज्ड किया है, उसके रूप को पूरी तरीके से, उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया है, एक नए युग की शुरुआत हुई है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो मॉडर्नाइज वर्ड इवेंट्स के साथ नहीं आएगा, रिवोल्यूशनाइज्ड मतलब एक नए दौर की शुरुआत हुई है। जैसे पहले क्रिकेट मैचेज होते थे या कोई भी प्रोग्राम होता था जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लेकिन अब वो अलग तरीके से उनको किया जाता है, तो पूरी तरीके से उसको उसका उसका एक एक नया रूप देखने को हमें मिलता है आजकल के दौर में। ठीक है, तो मॉडर्नाइज्ड वर्ड कहना सही नहीं होगा, रिवोल्यूशनाइज्ड कहना यहां पर सही होगा। देखिए, ये भी एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द सेल्स बॉय टोल्ड द कंज्यूमर नॉट टू टच द प्रोडक्ट ऑन डिस्प्ले। जब आप किसी चीज को देखने जाते हैं जैसे दुकान में, तो वहां पर काफी सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले पर रखे होते हैं, तो सेल्स बॉय ने कस्टमर से बोला कि वहां पर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वो हाथ नहीं लगाए जो डिस्प्ले पे हैं। तो कंज्यूमर कौन होता है, कस्टमर कौन होता है? कस्टमर किसी चीज को खरीदता है, कंज्यूमर किसी चीज को यूज करता है। जैसे सपोज आप एक बाइक खरीदते हैं, ठीक है, तो उसको खरीदने वाला तो एक ही होगा, वो एक ही नाम से बाइक होगी, लेकिन उसको यूज करने वाले कई लोग हो सकते हैं। तो कंज्यूमर मतलब जो उसको कंज्यूम कर रहा है, उसको यूज कर रहा है, कस्टमर जो उसको खरीद रहा है। तो सेल्स बॉय किससे बोलेगा, कंज्यूमर से या कस्टमर से? पहले तो वो कस्टमर होगा, कंज्यूमर तो वो बाद में बनेगा, पहले वो कस्टमर होगा। दुकान के अंदर कोई आया है तो वो सबसे पहले कस्टमर होगा, ठीक है, बायर वो नहीं होगा। बायर मतलब जो खरीद चुका है, अभी अभी उसने कुछ सामान खरीदा नहीं है, वो केवल इंक्वायरी के लिए आया है। तो यहां पर हम कस्टमर वर्ड लगाएंगे, बायर और शॉपर, बायर जो खरीद चुका है, शॉपर जो अलग अलग दुकान में जा रहा है, लेकिन यहां पर एक पर्टिकुलर दुकान में कोई व्यक्ति आया है। शॉपर तो बाहर घूम रहा है, अलग अलग कई दुकानों में वो जा रहा है, लेकिन यहां पर एक पर्टिकुलर दुकान में एक व्यक्ति आया है, ठीक है, और उसको हम सही, इसके लिए जो सही वर्ड होगा वो होगा कस्टमर। कस्टमर यहां पर आपका सही आंसर होगा। तो देखिए कितना बारीक डिफरेंस है, कंज्यूमर, बायर, शॉपर, कस्टमर, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें आती हैं रीडिंग से। प्लीज मेक इट ए पॉइंट टू सेंड द लेटर। सेंड हम करते हैं तो उसमें मूवमेंट होता है, और मूवमेंट के लिए हम लगाते हैं टू। यहां पर सही आंसर होगा आपका टू, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सुनील एंड आई। सुनील क्या है? थर्ड पर्सन है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, और दोनों ही ये सब्जेक्टिव केस में है। तो सुनील एंड आई यहां पर सही है, ये इसमें आंसर होगा आपका नो इंप्रूवमेंट। सुनील एंड आई, ये जो फ्रेज है ये सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं यू मस्ट कंप्लीट द वर्क अप टू संडे। देखिए यहां पर एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी हो रही है और उसका एंड पॉइंट हम बता रहे हैं कि संडे तक आपको ये काम खत्म कर लेना है, मतलब संडे एंड पॉइंट है, लेकिन संडे से पहले भी आप इस काम को खत्म कर सकते हैं, लेकिन संडे एंड पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पर जो सेंस बन रहा है वो बन रहा है नॉट लेटर देन, मतलब संडे तक तो आप कर ही सकते हैं, संडे एंड पॉइंट है, संडे के बाहर आपको नहीं जाना है, लेकिन संडे से पहले भी अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा।
ठीक है, तो नॉट लेटर देन का इसमें एक सेंस आ रहा है, नॉट लेटर देन के लिए हम लगाते हैं बाय, बाय आता है इसमें, अप टू नहीं आएगा, अप टू हम नंबर्स के लिए लगाते हैं, जैसे अप टू 30%, इस तरीके से नंबर्स के लिए आता है अप टू, तो बाय यहां पर सही यूज आपका होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं होल वीट ब्रेड इज गुड फॉर हेल्थ। वीट मतलब गेहूं जो होता है, गेहूं का जो पूरा दाना होता है उसकी इसमें बात हो रही है, तो होल माने तो छेद होता है, ठीक है, तो यहां पर होल, ये जो होल है ये सही होगा यहां पर, होल WHOL, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं शी हैज नो पेन टू राइट। देखिए यदि आप बोलें कि मैं पेन से लिख रहा हूं तो आप क्या बोलेंगे, आई एम राइटिंग विद अ पेन, क्योंकि पेन एक इंस्ट्रूमेंट है इसलिए यहां पर विद लगाना जरूरी है, विद प्रपोजिशन यहां पर लगाना जरूरी है, आई हैव नो पेन टू राइट विद, ठीक है, तो ए इसमें सही आंसर इसमें होगा। तो इस तरीके से इस मॉक टेस्ट में मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हैं, आगे के जो मॉक टेस्ट होंगे उसमें आरसी भी मैं लूंगा, क्लोज टेस्ट भी मैं लूंगा, पैराजम्बल भी लूंगा, सभी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। इन मॉक टेस्ट को आप अलग अलग प्ले लिस्ट में देखिए, हिंदी में मैं अलग अपलोड कर रहा हूँ और इंग्लिश सेक्शन में, इंग्लिश टू इंग्लिश में अलग अपलोड कर रहा हूँ, इनके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो इनके थ्रू आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और यदि आप 90% तक स्कोर करना चाहते हैं टीयर वन में, टीयर टू में, तो उसके लिए आप मेरी पेड क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं examnee.in पर। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में, थैंक यू।